तेरे पास दिमाग है? तुम मुझे पूछ रही हो या फिर बता रही हो? बता ही रही होंगी माँ जी, आपके दिमाग के तो क्या कहने, लोग मिसालें देते हैं हमारे मोहल्ले में। कितना प्यारा दोनों माँ बेटी में, एक डब्बा दूसरा खुला डब्बा। टोपी तुमने नवरात्रि के लिए पटाखे खरीदे थे? हाँ, रात को गरबा के बाद बजाने के लिए पटाखे खरीदे थे, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि तुमने मुझे टिफिन में आज पटाखे दिए थे। इतनी तो पंखे से हवा नहीं आ रही जितनी भाग भाग के गर्मी लग रही है, मैं कैसे हवा लूं? टोपी भाऊ! माँ जी! क्या कर रही है? कार के वाइपर की तरह से लेफ्ट राइट क्या हो रही है? माँ जी, ये पंखे की हवा ले रही हूँ माँ जी, ये घूमे जा रहा है कभी लेफ्ट कभी राइट कभी राइट कभी लेफ्ट। ये पंखा कौन लेकर आया? ए! मम्मी, ये पंखा, ये महान पंखा मैं लेकर आई। पंखा ही है, ये पंखा करके क्या जरूरत है? होता है, होता है, डेली सूप में ऐसे ही होता है। माँ जी, इसकी गर्दन में तकलीफें देखिए ना, तब से ऐसे ऐसे कर रहा है, इसकी गर्दन दुख रही होगी। पंखा की गर्दन में दर्द है, मैं बाम लगा देती हूँ। बेटी पागल, माँ माँ पागल। वहम गया हुआ है, उसने खाना खाया कि नहीं? माँ जी, वो ऑफिस जाने के लिए आज जल्दी में थे, तो मैंने खाना बना के टिफिन पैक करके उनको दे दिया था, वहीं खा लेंगे वो। क्यों? वहम जी इतनी जल्दी ऑफिस चले गए? अपना पूरा टाइम ऑफिस को देते हैं, इसीलिए मैं आज तक नानी नहीं बन पाई हूँ। मेरा बेटा सारा दिन ऑफिस में काम करता है, ये तो घर पर पड़ी रहती है, ये तो मुझे दादी बना सकती है। कैसे? कैसे? देखिए, मैं दादी बनूंगी, मैं नानी बनूंगी, मैं दादी बनूंगी, मैं नानी बनूंगी। देखिए, ना तो मैं आपको नानी बना सकती हूँ, ना मैं आपको दादी बना सकती हूँ। हाँ, किचन में जो नाश्ता बना हुआ है वो मैं आपको खिला सकती हूँ, मैं नाश्ता लेके आई। हाँ बेटा, जब भूख लग रही है। दादी मैं ही बनूंगी, नानी मी, दादी नानी, दादी नानी, नानी नानी। नाश्ता? वाह, ये क्या है बेटा? माँ जी, ये रोटी का पराठा। रोटी के पराठे? हाँ जी माँ जी, जो रात को 5 रोटियां बची थी ना, उसको मैंने लिया और ऊपर नीचे आटा डाला, फिर सुई धागे से सिल के उसका पराठा बना दिया। इसमें सुई धागा है बस, वो कई बार मुंह में आ जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। किसने सिखाया तेरे को अद्भुत खाना बनाना बेवकूफ औरत? बस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से पेश आने की? ये रोटी के पराठे बनाना मैंने सिखाया है। हाँ तो इसको खाते कैसे हैं ये नहीं सिखाया है? बस, अब तुम मेरी बेटी को डांट नहीं सकती। मैं नहीं डांटूंगी, मैं मारूंगी। कल डांडिया खेल के ये यहाँ से चली जाए, फिर मैं इस टोपी की खबर लेती हूँ। खबर लेने के चक्कर में देखना कहीं तू खबर में ना आ जाए। #RIP ढोकीला। आप लड़िए मत, आप चाहेंगी तो मैं आपके लिए कुछ और बना लाती हूँ। तेरे को क्या कर रही थी? क्या कर रही है? माँ जी, वो गरबा था ना, तो उसके लिए पाए काट के डांडिया बना रही हूँ। डांडिया बनाने के लिए सोफे के पाए क्यों तोड़ रही है? बेड के तो मैंने पहले ही तोड़ लिए थे माँ जी, वो ये रहे।
हे भगवान, ये क्या कर रही है तू? नालायक औरत, ढोकी। डांडिया, पलंग के पाए तोड़ दिए, इससे मजबूत डांडिये बनते हैं। अरे डांडिया खेलना है, बॉर्डर पर जाके लाठी चार्ज नहीं करना है हमको। ये क्या किया तुम दोनों ने? माँ जी, अगर आप कहेंगी तो मैं इसको लेके थोड़ा पतला बना दूंगी। तेरे पास दिमाग है? तुम मुझे पूछ रही हो या फिर बता रही हो? बता ही रही होंगी माँ जी, आपके दिमाग के तो क्या कहने, लोग मिसालें देते हैं हमारे मोहल्ले में। कितना प्यारा दोनों माँ बेटी में, एक डब्बा दूसरा खुला डब्बा। अरे आप, टोपी तुमने नवरात्रि के लिए पटाखे खरीदे थे? हाँ, रात को गरबा के बाद बजाने के लिए पटाखे खरीदे थे, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि तुमने मुझे टिफिन में आज पटाखे दिए थे। ले, टिफिन में खाने की जगह पटाखे खा लिए? लंच ब्रेक में 2 घंटे फोड़ के भी आया हूँ। ले, लंच का ये हाल है तो कल सुबह तो बड़ा धमाका होगा। वहम के टिफिन में पटाखे रखे, मारना चाहती तू वहम को? ये आपका वहम है। मेरा ही वहम है वो, बेटा मेरा है तो वहम भी मेरा है, लेकिन ये तेरी बेटी है ये। हाँ। और मुझे दादी बना ही नहीं सकती है। हाँ, क्योंकि ये मुझे नानी बनाएगी। नहीं, ये मुझे ही दादी बनाएगी। मुझे नानी बनाएगी। मुझे दादी बनाएगी। मुझे नानी बनाएगी। गंदे से कौन मारता है, रुक जा, रुक जा। मुझे नानी बनाएगी। रुकिए। आगे बेटा। ना तो मैं किसी को दादी बनाऊंगी। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं पहले किसी को दादी बनाऊंगी ना नानी बनाऊंगी, मैं फाफड़ा और जलेबी बनाऊंगी। फाफड़ा जलेबी? हाँ, नवरात्रि है ना, तो डांडिया के बाद खाएंगे।